बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ईसीएम डेल्फी, इसका जो वकिया हिस्सा है तो उसकी हम बात करते हैं। इससे पहले वाले निशिश्त में हमने जो आपको बताया था कि हमने इसको सप्लाई दी और किस तरह कनेक्शन किए आपको ये बताया, और इसकी जो सप्लाइयाँ थी 2.6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5.6 वोल्ट एंड 12 वोल्ट जो कि इसे रिसीव हो रही थी, यानी कि इसका जो सप्लाई सेक्शन है वो ओके है, सप्लाई सेक्शन ओके है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? इसकी प्रॉब्लम है मेन रिले ग्राउंड जो आउट नहीं हो रहा है। सप्लाइयाँ ठीक हैं बट मेन रिले ग्राउंड आउट नहीं हो रहा है। अब तो मेन रिले ग्राउंड की को पहले पिन तलाशनी होगी, इसकी पिन कौन सी होती है, इसकी आउटपुट पिन कौन सी होती है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू देखें तो ये 45 मेन रिले के लिए यूज़ की गई है, राइट। हम यहाँ पर पिन नंबर 1 को सप्लाई दिए, 2 को ग्राउंड भी दिया, 19 को इग्निशन सप्लाई 12 वोल्ट थी। उसके बावजूद पिन नंबर 45 से मेन रिले ग्राउंड आउट नहीं हो रहा है। इसकी जो पिन कहलाती है वो 45 ये कहलाती है। यहाँ पर 12 वोल्ट ग्राउंड रिसीव होना चाहिए जो रिसीव नहीं हो रहा है ताकि रिले ऑन हो सके। तो चेक करने में पता चलता है कि इस पिन को मेन रिले ग्राउंड प्रोवाइड करने वाली आईसी ये है और जिसका नंबर होता है 6240। तो इसकी आईसी रही, इस आईसी की जो आउटपुट पिन है वो पिन 16 है। 16 नंबर की पिन से मेन रिले ग्राउंड आउट होना चाहिए जो आउट नहीं हो रहा है। यह आईसी वर्क करे इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी एक अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होगी, इसकी अपनी कुछ नीड होगी ताकि ये आईसी अपने आउटपुट्स को आउट कर सके। इसको इनपुट सिग्नल की ज़रूरत होगी, इसको रीसेट सिग्नल की ज़रूरत होगी, इसको सीपीयू के साथ में कम्युनिकेशन हो, ठीक है, एज ए स्लेव और मास्टर कम्युनिकेशन हो, उसकी पिन्स होंगी, आउटपुट्स पिन होंगी, सप्लाई की पिन होंगी। तो मेन रिले ग्राउंड आउट नहीं हो रहा है, इससे पहले ज़रूरी है इन पिन की हमको जानकारी होना। अब जैसे कि मैं आपको इस आईसी के स्कीमेटिक्स डायग्राम दिखाता हूँ, मैं इसकी डिटेल्स दिखाता हूँ और देखते हैं कि उसमें ख़ास पिन कौन कौन सी हैं। वो ये आईसी जो है वो 36 पिन की आईसी होती है, और अगर हम देखें तो इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है, ये तो आउटपुट हो गया, ये तो बाद में होगा आउट मिलेगा, लेकिन पहले हमें पिन नंबर 6 जो है ये देखना होगा कि ये किसकी पिन है, पिन नंबर 7 देखना होगा, पिन नंबर 8 जो सप्लाई की पिन होना चाहिए, रीसेट सिग्नल है ये सीपीयू से मिलना चाहिए, ठीक है, इनपुट ये देखना होगा, ये देखना होगा, आउटपुट अभी हम ये छोड़ सकते हैं क्योंकि पहले इनपुट सप्लाई रीसेट क्लॉक डाटा, जब तक ये नहीं मिल जाते तब तक हम आगे नहीं देख सकते। जैसे कि पिन नंबर 9 है, रीसेट हो गई, पिन नंबर 28, पिन नंबर 27, ठीक है, पिन नंबर VS8 हो गई। तो इन पिन्स को चेक करना होता है। इसको इस तरह से चेक करता हूँ कि इसका कनेक्शन हमारा CPU के साथ में है भी या नहीं है, या CPU की वॉल उठ चुकी है ऊपर के लिए। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा इस CRO का। अब इसके बाद जो ज़रूरी पिन है मैं देखना, वो पिन है पिन नंबर 6, और पिन नंबर 6 और 7 दिस पिन आर फ्रॉम कमिंग CPU, पिन नंबर 6 एंड 7 इनपुट पिन्स। तो पिन नंबर 1 इसकी ये रही, अगर मैं पिन नंबर 6 को देख रहा हूँ तो ये मुझे लगता है कि CPU से कनेक्टेड है और जो एक सिग्नल इनपुट्स का आना चाहिए वो प्रॉपर आ रहा है।
इसी तरीके से 7 पर भी, पिन नंबर 16 जो इसकी आउटपुट पिन है, सिग्नल तो ये बताता है कि ना ही शॉर्ट है और ना ही ओपन है। इसका सर्किट इस आईसी के अंदर अकॉर्डिंग टू सिग्नल ठीक होना चाहिए। तो पहली निगाह तो ये लग रही है कि हो सकता है इसकी सप्लाइयाँ डिस्टर्ब हो, क्योंकि इसके इनपुट सिग्नल और इसका जो आउटपुट पिन है तो आईसी का इंटरनल सर्किट कोई शॉर्टिंग या लो इम्पीडेंस या सर्किट ओपन इस तरह से नहीं दिखा रहा है। तो मे बी पॉसिबल है कि प्रॉब्लम ये सप्लाई की भी हो सकती है। अगर हम अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक्स समझने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि इसकी पिन नंबर 16 जो है तो उसका इंटरनल सर्किट अकॉर्डिंग टू एनालॉग सीआरओ ठीक लग रहा है। ये सर्किट ऐसा नहीं बताता कि अंदर से इंटरनल ओपन है या शॉर्ट है या लो इम्पीडेंस है। जिसका सैम्पल बताता है उसे तो यही अंदाज़ा लगता है। अब इसकी दूसरी जो ख़ास रिक्वायरमेंट्स है वो है इसका सप्लाई, सप्लाई लाइन। जैसे पिन नंबर 8 जो BS की पिन है और पिन नंबर 11 इसको भी 5 वोल्ट चाहिए, पिन नंबर 8 को भी 5 वोल्ट चाहिए ताकि ये IC अपना वर्क कर सके। तो अब हमें ये चेक करना होगा कि ये पिन इस IC को जो सप्लाई देने वाला अहम कैपेसिटर है वो ये वाला है, यानी कि इस जगह से ये 5.6 के आसपास सप्लाई यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। और जैसा कि हमने चेक किया था तो यहाँ पर सप्लाई बन रही थी। अब यहाँ पर है या नहीं है, और है तो IC अपना आउटपुट क्यों नहीं कर रही है, और नहीं है तो क्या ट्रैक ओपन है बीच से, यहाँ तक सप्लाई इसको रिसीव नहीं हो पा रही है। ये देखने के लिए आप नेक्स्ट इसकी जो निश्चित आएगी इंशाल्लाह जल्द, आप उसे ज़रूर देखिए, उसमें ये जो मसाइल है इंशाल्लाह ताला सॉल्व होगा। थैंक यू सो मच।